अरे सुनो भाई, ये कौन सी जगह है बता सकते हो? ये कंचनगढ़ है बाबा। क्या तुम मुझे अपने राजा के पास लेकर जा सकते हो? प्रणाम महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब साधु हूँ, दया करके आप मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप मेरे राजमहल में आए हैं। मंत्री जी, साधु बाबा के खाने पीने और रहने की व्यवस्था कीजिए। राजा के आदेश अनुसार साधु बाबा की देखभाल में किसी भी तरह की कमी नहीं की गई। ठीक 3 दिनों के बाद। मैं आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ महाराज, इसीलिए जाने से पहले अगर मैं आपको कुछ भी दे पाता तो मैं जरूर देता। बाबा, आपके आशीर्वाद से मुझे कोई खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही परेशानी है। मेरी तीनों बेटियों की अब शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। आप अपनी तीनों बेटियों को बुलाइए, मैं उनके हाथ देखकर भाग्य बता दूंगा। सुनिए महाराज, मैं देख सकता हूँ कि आपकी बेटियों की शादी में कई तरह की बाधा है। तो उसका उपाय क्या है साधु बाबा? एक उपाय तो है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल होगा। कल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक राजकुमारियों को सिर्फ पानी पीकर ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस बात को ना मानकर अगर किसी ने कुछ भी खाया तो फिर उस राजकुमारी की शादी कभी नहीं होगी, और उसकी वजह से बाकी राजकुमारियों की भी शादी नहीं होगी। यही सही मौका है, मुझे एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब सोची। रूपमाला को पिताजी बहुत प्यार करते हैं, है ना? इस बार मैं भी देखूंगी कि आखिर रूपमाला क्या करेगी। आज व्रत रखने का दिन है, तुम्हें याद तो है ना बेटी रूपमाला? गुरुजी के आदेश को मैंने कभी भी इनकार किया है क्या? तुम सबसे छोटी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस बर्तन का पानी पीकर बाकी बचा हुआ पानी अपने दीदियों को दे दो। दीदी, अगर पिताजी को पता चल गया कि आज हमने मांस और मच्छी खाया तो? ये बात इस कमरे के बाहर तो जा ही नहीं सकती। वो देखो, राज रानी बैठी हुई है, आज इसे मजा चखा कर रहूंगी। ये मैंने सारे मांस के टुकड़े यहाँ पर फेंक दिए। अब चलो ये बात सही जगह पर पहुँचाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें आकर महाराज को बताते हैं कि रूपमाला ने व्रत तोड़ दिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी रूपमाला ऐसा नहीं कर सकती है। आप खुद ही जाकर देख क्यों नहीं लेते पिताजी? अरे ये क्या? मैंने तो आपको पहले ही बताया ना पिताजी। रूपमाला, रूपमाला, अभी तुम तुरंत कमरे से बाहर आ जाओ। क्या हुआ पिताजी? ये सब क्या है? छी 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 छी। हाँ, ये सब आखिर कहाँ से आया? हाँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता पिताजी। आज से तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। देखते देखते कई सप्ताह गुजर जाते हैं, और एक दिन महाराज एक स्वयंवर सभा का आयोजन करते हैं अपनी बड़ी और मझली बेटी के लिए। लेकिन दोनों बेटियों को ही कोई भी राजकुमार पसंद नहीं करते हैं। स्वयंवर सभा का अंत होने पर जब राजकुमार चंदन वापस अपने घर जा रहे थे, ठीक तभी अरे अरे अरे, ए, 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 जरा रुको। वो कौन है? कितनी सुंदर है, राजकुमारी है, लेकिन स्वयंवर सभा में तो वो दिखाई नहीं दी। सुनो, मुझे राजमहल जाना है। प्रणाम महाराज, आपके राजमहल के दक्षिण दिशा की तरफ बरामदे में मैंने एक लड़की को देखा है, अगर मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा। वो मेरी छोटी बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर शादी करूंगा तो मैं आपकी छोटी बेटी से ही शादी करूंगा, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे साथ अच्छी तरह से सहयोग ना करने पर युद्ध भी हो सकता है। महाराज की इच्छा के विरुद्ध रूपमाला के साथ राजकुमार चंदन की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ देखा ना दीदी, देखा ना तुमने,
हमारे बहन की कितनी धूमधाम से शादी हुई है। मैं बड़ी राजकुमारी हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और रूपमाला की शादी हो गई। अरे कौन कौन हो तुम? मैं शैतान हूँ, मैं रात को घूमता रहता हूँ, जो भी मुझसे कुछ मांगता है वो मैं पूरा कर देता हूँ। तुम कर पाओगे? मेरी छोटी बहन रूपमाला की सारी खुशियाँ छीन सकते हो तुम? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त है बताओ। 3 रात के बाद मुझे 2 चमगादड़ ला के दो, मैं उसे मारकर अपने गले का हार बनाऊंगा। अरे ये भी कोई बड़ी बात है क्या? ऐसा ही होगा। ठीक है तो फिर ये लो, लोहे की पिन। ये पिन रूपमाला के बालों में लगाते ही तुम्हारा काम बन जाएगा। बड़ी और मझली राजकुमारी राजा से आज्ञा लेकर अपनी छोटी बहन रूपमाला की ससुराल पहुंच जाती है। अपनी बहनों को देखकर रूपमाला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें मौका ढूंढने लगी कि कब रूपमाला उन्हें अकेली मिलेगी। अगले दिन राजकुमार चंदन विदेश की यात्रा के लिए निकल जाते हैं और उसी दिन उन्हें वो मौका मिल जाता है। आइए महारानी, हम आपका जूड़ा बना देते हैं। आज तुम्हारे बाल ऐसे बांध देंगे ना। रूपमाला के जूड़े में लोहे का वो पिन लगाते ही वो एक चिड़िया बन गई। क्या सोचा था तुमने, हम लोगों से ज्यादा धनी बन जाओगी, सुखी रहोगी? उस दिन तुम्हारे कमरे के सामने हमने ही वो हड्डियाँ फेंकी थी, समझी तुम? चलो दीदी। ए, कोई आ रहा है, चलो 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 छुप जाते हैं। रूपमाला तुम कहाँ पर हो? अरे अरे ये अरे नहीं 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 नहीं। अरे इतनी सुंदर चिड़िया कहाँ से आ गई? ओ अरे ये क्या, इस चिड़िया के सिर पर लोहे का काटा क्यों लगा हुआ है? राजकुमार चंदन ने जैसे ही उस चिड़िया के सर से वो लोहे का पिन निकाला, वैसे ही रूपमाला सामने आ जाती है। उसके बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है। क्या तुम्हारी इतनी बड़ी जलन? पहरेदार पहरेदार! बड़ी और मझली राजकुमारी भागने की कोशिश करती है, लेकिन पहरेदार उन्हें पकड़ लेते हैं और राजकुमार चंदन उन पर लोहे के पिन से वार करते हैं। जैसे करनी वैसी भरनी।